बुंदेलखंड के इलाके को दिल्ली से जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दो दिन बाद देश को समर्पित कर दिया जाएगा। एनबीटी की टीम ने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले इसका रियलिटी चेक कर ये जानने की कोशिश की है कि इस पर रफ्तार में गाड़ी चलाने का जमीनी अनुभव क्या है। जालौन में एक्सप्रेसवे पर सफर की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने जालौन से महोबा तक इस एक्सप्रेसवे पर सफर किया। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने के बीच डैशबोर्ड पर रखे गिलास से पानी छलकता तो नहीं दिखा। करीब 100 किलोमीटर के सफर में एनबीटी की टीम ने इस एक्सप्रेसवे के किनारे पर बनी सुविधाओं से लेकर सफर के रियलिटी तक तमाम पड़ताल की। इस दौरान हमारी टीम ने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की और उनसे सफर के अनुभव जानने की कोशिश की। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यूपी के लोगों को सौंप दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। सरकार और खुद सीएम योगी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की फाइनल तैयारियों में जुटे हैं। ये एक मान के जरिए बुंदेलखंड का जो हब है वो जिला जालौन है और इससे ये मान लो आने जाने के कई रास्ते, कई सुविधाएं होंगी, कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ आएंगी तो उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, आना जाना भी होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कम समय में अधिक दूरी तय हो जाएगी। हम अगर बिजनेस भी कोई करना चाहें तो कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ कोई भी बिजनेस डाल सकते हैं। एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब सौगात तो जो है 16 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आके कुछ यहाँ घोषणा करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि क्या सौगात है किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। तो उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ आके कुछ मान लो किसानों के लिए करें या औद्योगिकरण करें या कुछ करें तो उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा, यहाँ या जिला जालौन के जो नागरिक हैं उनको लाभ मिलेगा। इन सब के बीच रफ्तार के रियलिटी टेस्ट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फिलहाल तो पास ही नजर आ रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।